बेस्ड पॉलिटिक्स अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके ने कहा है कि उन्होंने काफ़ी बयान दिए हैं सनातन के खिलाफ, और वो तो काफ़ी अरसे से करते आए हैं, काफ़ी दशकों से उनका एंटी सनातन पोजीशन रहा है, लेकिन अब जो है वो लोग थोड़ा बहुत आक्रोश दिखने को मिल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इज इट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस कि लोग बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं, या फिर सनातन के खिलाफ जो उनके स्टेटमेंट्स हैं वो बाकी राज्यों में भी ये फैल रहा है अब? मैं इस सवाल को जरा अलग तरीके से देखता हूँ। सवाल हमें कांग्रेस को पूछना चाहिए, जो कांग्रेस जिसके साथ किसी जमाने में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, जो कांग्रेस जहाँ इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला जो हाँ रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है कांग्रेस में, ये चिंता का विषय है। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा, और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं, और इसलिए वो नए नए तौर तरीके अपना करके बोल रहे हैं। प्रश्न उनका नहीं है, प्रश्न कांग्रेस जैसी पार्टी का है कि उसने अपना मूल कैरेक्टर गंवा दिया है क्या? जब संविधान सभा में जो लोग बैठे थे तो ज़्यादातर गांधीयन लोग थे, ज़्यादातर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, और पहला संविधान बना उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है रामायण, वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आपका संविधान बना, उस संविधान में सनातन का गौरव का हिस्सा था, और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें, मजबूरी कांग्रेस की, ये देश के लिए चिंता का विषय है। और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कुछ और दक्षिण के मंत्रियां हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि जो दक्षिण है वो अलग इकाई है, उत्तर अलग इकाई है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत, और बीजेपी जो है वो दक्षिण भारत में सेंध नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने तो संसद में भी कहा था कि आप अगर पूर्व से देखें, बंगाल से देखें, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल तक जाएं, पूरे उस एरिया में बीजेपी सेंध नहीं कर पाएगी। दो अलग इकाई है क्या दक्षिण भारत और उत्तर भारत? पहली बात है, भारत बहुरत्ना वसुंधरा है, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ रेगिस्तान भी हैं, यहाँ समुद्री तट भी हैं, यहाँ हिमालय भी हैं, और यहाँ सह्याद्री भी हैं, यहाँ गंगा के पट भी हैं और कावेरी के पट भी हैं। तो भारत को टुकड़ों में देखना ये भारत के प्रति नासमझी का परिणाम है। अगर यही भाव होता, अगर आप हिंदुस्तान में देखें प्रभु राम के नाम से जुड़े हुए गांव कितने सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो तमिलनाडु में है। इतने सारे गांव के नाम हैं कि उसमें राम तो होगा ही होगा। अब इसको आप कैसे अलग कह सकते हैं, किसको गले उतारेंगे आप? लेकिन भारत की विविधता है, पंजाबी जैसा होगा वैसा नागालैंड का व्यक्ति नहीं होगा, गुजराती जैसा होगा वैसा कश्मीर का व्यक्ति नहीं होगा। तो विविधता ही तो हमारी शक्ति है, हमने विविधता को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें गुलदस्ता ऐसा है भारत का जिसमें हरेक का अपना फूल दिखाई दे, ये भाव होना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और खासकर मोदी जी इस विविधता को अप्रिशिएट नहीं करते, एक रंग में ढालना चाहते हैं, और अगर 400 सीट जो आप कह रहे हैं अगर वो आ जाता है तो संविधान रद्द हो जाएगा, एक ही भाषा, एक ही रहन सहन, एक ही तरीका होगा, और वो है जो मोदी जी कहेंगे। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जो व्यक्ति यूएन में जा कर के पहली बार दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा का गुणगान करता हो, किस आधार पर उस व्यक्ति को आप ऐसे आरोप लगा रहे हो? मेरा तो मत है, और मैं जब कपड़े अलग अलग राज्य के पहनता हूँ तो उनको ही परेशानी हो रही है।
मुसीबत उनकी है कि वो एक ढांचे में देश को डालना चाहते हैं। हम तो विविधता की पूजा करते हैं, हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। और मैं हमको के हर एक को कहता हूँ, जैसे हमने कहा कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मातृभाषा में क्यों नहीं बन सकता है? जब मैं मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियर बनने की बात करता हूँ, मतलब कि मैं मातृभाषा को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, उसका महात्मा ही बढ़ा रहा हूँ। मुझे ये अभी ये गेमिंग वाले सब बच्चों के साथ बैठा था, तो उनमें से किसी ने पूछा कि हमारे लिए कोई संदेश, तो ऐसे मैंने कहा एक काम करो, अब जब भी आप हस्ताक्षर कहीं करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपनी मातृभाषा में सिग्नेचर करो, इतना तो गर्व करो। अब मैं तो विविधता को लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब उनको आरोप लगाने हैं, क्या करेंगे? कुछ मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि उन्हें सेंटर से सहयोग नहीं मिलता, दक्षिण के भी कुछ मुख्यमंत्री हैं, आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब प्रधानमंत्री हैं पिछले 10 साल में, क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर आपके विचार बदल गए हैं जब आप मुख्यमंत्री थे और जब अभी आप प्रधानमंत्री हैं? दरअसल और क्या उन्हें नहीं मिलता सहयोग? दुर्भाग्य हुआ है कि जो रीजनल एस्पिरेशंस होते हैं उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ये मेरी पार्टी की फिलोसॉफी है। अगर आप रीजनल एस्पिरेशंस जो हैं उसको नकार करके विकसित भारत का सपना पूरा नहीं कर सकते। दूसरा, मैं गुजरात में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूँ और मेरा सौभाग्य है कि देश में मैं पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूँ कि जिसके पास राज्य के मुख्यमंत्री का इतना बड़ा अनुभव रहा है। तो एक मुख्यमंत्री के नाते केंद्र से क्या अपेक्षाएं होती है, केंद्र से क्या तकलीफें होती हैं, उसको मैंने भली भांति झेला है, समझा भी है। और इसलिए मैं कतई नहीं चाहूँगा कि मेरे देश का कोई राज्य, उसका उमंग उत्साह हो विकास का, उस पर कोई रुकावट पैदा हो। अगर रुकावट हटा सकता हूँ और उसमें मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, वो भी मैं करने के लिए, क्योंकि मुझे देश बनाना है। दूसरा, मैं जब गुजरात था तब भी मेरा मंत्र था, यहाँ सरकार यूपीए की थी तब भी मेरा मंत्र था, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। मैं गुजरात का विकास करूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे मेरा देश का विकास करना है, हमारे देश में वातावरण बनना चाहिए। और हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कल्पना की हर राज्य में, हमने कहा ये राज्य के पैरामीटर के बराबर है, भारत सरकार ने योजना बनाई, उसकी मदद की, सभी राज्य आज हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में और एस्पिरेशनल ब्लॉक में मिलकर के हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम नजर आ रहे हैं। अब आप कोरोना देखिए, मैंने इतनी बार चीफ मिनिस्टर से मीटिंग की, शायद 20-25 बार, और हर चीज़ में सब मिलकर के निर्णय करते थे, तो हम साथ मिलकर के चले तो हम कोरोना के जंग को जीतने में सफल हुए। और मैं पब्लिकली कहता हूँ कि कोरोना की लड़ाई में भारत की सफलता का कारण मैं, सभी राज्यों का भी उतना ही योगदान है, मैं रिकग्नाइज करता हूँ। और इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि देश को आगे ले जाना है तो हमें कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चाहिए, हमारे यहाँ स्पर्धा होनी चाहिए, तंदुरुस्त स्पर्धा होनी चाहिए विकास की, तब जाकर के। अब देखिए G20, मैं G20 दिल्ली में कर सकता था, मैंने ऐसा नहीं किया, हिंदुस्तान के हर राज्य में G20 समिट किया, क्योंकि हर राज्य में G20 को सबसे ज़्यादा अवसर मिले, लोगों को उस राज्य को देखने का अवसर मिले, राज्य को अपना एक्सपोजर के लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल जाए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा देश का हर कोना मेरे लिए देश ही है।